अब इस वीडियो में हम फंक्शंस के लास्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि है इंटू फंक्शन अब इंटू फंक्शन क्या होता है यदि कोई फंक्शन f जो कि सेट A से सेट B में डिफाइन है वह कुछ इस प्रकार डिफाइन है कि सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट A के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है तो उस कंडीशन में फंक्शन f इंटू फंक्शन होगा इसे हम एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं माना एक सेट ए इस प्रकार का है एंड सेट बी इस तरह का है एंड एक फंक्शन एफ सेट ए से सेट B में इस प्रकार से डिफाइन है क्यू टू की इमेज है टी थ्री की भी इमेज है क्यू फोर की इमेज है आर एंड फाइव की इमेज है एस तो आप यह क्लियरली देख सकते हो कि सेट बी का एलिमेंट पी सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है यानी कि हमें सेट बी में एक ऐसा एलिमेंट मिला है जो कि किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है इसलिए यह डायग्राम एक इंटू फंक्शन का होगा अब इंटू फंक्शन के चेक करने की क्या क्या स्टेप्स होती हैं? सबसे पहले इसमें भी हमें फंक्शन एफ की रेंज फाइंड करनी है एंड यदि फंक्शन एफ की रेंज फंक्शन एफ के कोडोमेन के इक्वल ना हो तो वह फंक्शन Into होगा। आप यहां देख सकते हो कि अभी हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था वहां भी फर्स्ट स्टेप सेम थी जहां हम फंक्शन एफ की रेंज ही फाइंड करते थे लेकिन अपोजिट है यदि फंक्शन एफ की रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है एंड यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में फंक्शन इन टू फंक्शन होता है इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स और ये फंक्शन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन से एन में डिफाइन है तब हमें ये प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन इन टू फंक्शन होगा तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम यहां से देख सकते हैं कि गिवन फंक्शन के कोडोमेन है एन अब यदि हम इसका रेंज फाइंड करें तो सबसे पहले हम फंक्शन को y के इक्वल एज्यूम करेंगे यानी कि y हो जाएगा 2x के इक्वल अब सिंस x सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करता है तो y में हमारे वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो कि नेचुरल नंबर्स के डबल हों यानि कि हम लिख सकते हैं कि रेंज हो जाएगी हमारी सेट ऑफ y वेयर y इज इक्वल टू टू एक्स एंड एक्स एन में बिलोंग करे मतलब हमें उन सभी एलिमेंट्स का सेट मिला है जो कि नेचुरल नंबर्स का डबल है मतलब रेंज हमारी कुछ इस तरह की होगी यहां हम देख सकते हैं कि हमारे रेंज में और नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है यानी कि जो रेंज है वह नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगी इसलिए जो रेंज है वह कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी इसलिए जो गिवन फंक्शन है वह इनटू फंक्शन होगा तो अभी तक हम इन चार टाइप के फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं अब यदि कोई फंक्शन वन वन है एंड ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं और वन वन ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वह वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता है इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन वन वन एंड इन टू फंक्शन है तो उसे हम वन वन इंटू फंक्शन यदि कोई फंक्शन फंक्शन है, तो वह फंक्शन कहलाता है इसी प्रकार यदि कोई फंक्शन मैनी वन भी है एंड इन टू भी है तो वह फंक्शन मैनी वन इन टू फंक्शन कहलाता है तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि हम अलग अलग टाइप्स के फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से फंक्शंस को चार मेन कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं